और आलू कैसा है तू? मैं अच्छा हूँ। और अलवाइन कैसी है? अलवाइन भी अच्छी है। तू अपना बता गोभी, तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ। और बता गोबराइन कैसी है? गोबराइन कैसी है? मामा मामा भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। तो नाम लाल इतनी घटिया मूंगफली काहे लाए थे? नालाय कहीं के मामा का नाम लेता है। अरे रामलाल, अभी तुमने ही तो कहा हम तुम्हारे मामा नहीं। नीम साहब फ्रिज में रसगुल्ले रखे हैं, दो चार पीस खा लें क्या? खबरदार, अगर रसगुल्ले को हाथ भी लगाया तो। मैंने सारे रसगुल्ले गिन के रखे हैं, अगर एक भी कम हुआ ना तो समझ लेना। हमको मालूम था आपने गिन के रसगुल्ले रखे हैं, इसलिए हमने एक भी रसगुल्ला नहीं खाया, केवल चूस के वापस रख दिया। आलू जी मास्टर साहब, बताओ बारिश कैसे होती है? मास्टर साहब, बादल जब पहाड़ से टकराते हैं तो उनको चोट लग जाती है और वो रोने लगते हैं। उन्हीं के आंसू जो नीचे गिरते हैं उन्हीं को हम बारिश कहते हैं। के घर लड़का पैदा हुआ है। वाह क्या कमाल की टेक्नोलॉजी है, मेरी बीवी अस्पताल में है और लड़का घर पे पैदा हुआ है, वाह। बहन क्या है? बहन तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो। वो कैसे? आज सुबह तुम्हारे पति मेरे घर आए थे, बता रहे थे जंग के मैदान में जा रहे हैं। सुनकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे मोहल्ले में भी कोई फौजी है। बहन ज्यादा इमोशनल मत हो, मेरे पति लोहे के भंगार की दुकान में काम करते हैं, वहाँ जगह जंग फैला रहता है, उसी को वो जंग का मैदान बोलते हैं। नहीं माने, मान भी जाते तो कर क्या लेते? मतलब बदतमीजी की हद है। कहाँ है तुम्हारे बाप, जरा बुलाओ उनको। अरे अंकल आप तो सच में बुरा मान गए। हाँ हम मान गए, बुरा बुरा मान गए। तो माने रहो, बुरा हमारा क्या उखाड़ लोगे? ये तो बहियापन की एकदम पराकाष्ठा हो गई। कहाँ है तुम्हारे बाप, जरा बुलाओ उनको, बुलाओ। अरे भाई साहब क्या हो गया तुम्हारे लौंडे को? बड़ों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। हमसे कह रहा है हमारा क्या उखाड़ लोगे। नालाय कहीं के अंकल तुमसे बड़े हैं, उनसे ऐसे बोला जाता है हमारा क्या उखाड़ लोगे? उनसे रिस्पेक्ट के साथ बात करो, बोलो अंकल जी आप हमारा क्या उखाड़ लेंगे।